ये नहीं सोचा था कि इसकी एंडिंग इतनी जबरदस्त होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा द टुमारो वॉर मूवी के बारे में, जिसे अमेजोन के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। तकरीबन ये मूवी 2 घंटे 20 मिनट इसकी लेंथ है। ये जो मूवी स्टार्ट होती है तो इसके 20 मिनट तक ही आप लोगों को बेस तैयार करके देती है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें वो 20 मिनट में बताती है। और तकरीबन शुरू से लेकर 50 मिनट तक तो मैं ये कहूंगा कि आपको 50वें मिनट पर जाके ये दिखेगा कि आखिर इंसान लड़ किसके साथ रहा है, वो आपके सामने आता है। टुमारो वॉर की कहानी जो है वो आज से 30 साल पहले 2051 के अंदर एक वॉर स्टार्ट हो चुका है इंसानों और एलियंस के बीच में। अब इंसानों की संख्या जो है वो कम होती जा रही है, तकरीबन जैसा बताया गया कि 5 लाख ही इंसान बचते। मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही कि जब ये मूवी देख रहा था बार बार सवाल आ रहा था कि यार इनको जनगणना करने के लिए टाइम कब मिल गया जब ये जंग में बिजी है। खैर मूवी के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये जो है वो 2051 से 30 साल पहले आते हैं, 2021-22 के इस टाइम लाइन के अंदर आते हैं और यहां से इंसानों के पास आकर कहते हैं कि भैया हमें इंसानों की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर आप लोगों ने हमारी हेल्प नहीं की तो आने वाले टाइम में यानी 30 साल बाद इंसान का वजूद ही खत्म हो जाएगा, तो आप हमें क्या करिए, सैनिक प्रोवाइड करिए ताकि वो भविष्य में जाके उन एलियन से लड़ सके। वैसे एक बात तो है कि इंसान के ऊपर जितनी भी बड़ी आपदा आ जाए वो अपने आप को बचाने के लिए रास्ता ढूंढ निकालता है। और जो इस मूवी के अंदर एलियंस दिखाए गए आखिर वो आए कहां से, इतनी ज्यादा संख्या में वो कैसे बढ़ गई, ये सारी चीजें इस मूवी के अंदर बताई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हवा में एकदम से वो चीजें आ गई और आप लोगों के सामने पेश कर दी, ऐसा नहीं है। वो एक कहीं ना कहीं आपको एक जवाब देने की कोशिश करते हैं। जो ये बात है वो इस मूवी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। और ये जो कहानी है डेन फॉरेस्टर के थ्रू हमें दिखाई जाती है, डेन फॉरेस्टर शायद मैंने नाम सही से लिया। और केवल इसके अंदर फाइटिंग ही नहीं, इसके अलावा एक आप लोगों को इमोशनल टच भी देखने को मिलेगा जो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। एक साइंस फिक्शन की मूवी के अंदर ऐसी चीज भी दिखाई जाएगी, सच में वो चीज दिल छू जाती है। डेन और उसकी बेटी के बीच का जो रिलेशन इस मूवी के अंदर दिखाया गया वो सच कहूं आपकी आंखें नम कर देगा, इतना प्यारा, इतना जबरदस्त, इतना इमोशनल वो लगता है वो वाला सीन। दो जगह ऐसा सीन आता है। आप बस इस मूवी के स्टार्टिंग के 20 से 30 मिनट इस मूवी को देख लीजिए, इसका इतना इंटरेस्ट आपके अंदर क्रिएट होगा कि बाकी का टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जब वो फाइटिंग स्टार्ट होती है, जब वो एलियन सामने आते हैं, इतनी जबरदस्त वो फाइटिंग लगती है। और सच कहूं यार एक सीन आता है इसके अंदर जब डैन जो है वो भविष्य से वापस भूतकाल में यानी अपने टाइमलाइन के अंदर आता है, 2021-22 के इस टाइमलाइन में आता है। अगर ये मूवी वहां पर खत्म हो जाती ना तो उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग या एंटरटेनिंग नहीं होती जितनी अब हुई है इसकी डिफरेंट एंडिंग के बाद। खैर जो बार बार मैं एंडिंग 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 कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यार जितना हमने सोचा होता है कि यार इसमें इस तरीके से मूवी खत्म होनी चाहिए वैसी नहीं होती है, थोड़ा सा अलग इंटरेस्टिंग बनाया गया है। हाँ वो अच्छी एंडिंग है बुरी एंडिंग यार वो मैं नहीं बता सकता, या अगर वो बता दिया तो मुझे गालियां पड़ेंगी, आप लोगों को स्पॉइलर मिल जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। बट यकीन मानो काफी बढ़िया काम किया गया है, जैसे इस तरीके जिसमें इस कहानी को रिप्रेजेंट किया गया वो बहुत बढ़िया से हमारे सामने खूबसूरती से रखा गया। और यहां पर VFX जो यूज किए गए वो भी कमाल के, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगे चीप VFX, नहीं बहुत अच्छे VFX हैं। और इसमें एक एडिशनल जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इमोशनल टच जो दिया है यार वो सच में बहुत बढ़िया है, बहुत भावुक कर देता है, सच में मेरी आंखें तो यार नम हो गई थी। और ये सारी चीजें मिलकर इस मूवी को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7.5 out of 10। सर अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगी। और परफॉर्मेंस तो यार वाकई में बहुत ज्यादा जबरदस्त है। ये मूवी हिंदी डब में है, हिंदी डबिंग की बात करूं तो हाँ मुझे डिसेंट लगी, पर भी इसके अंदर वल्गर सीन नहीं है यानी कोई एडल्ट सीन इसके अंदर यूज नहीं है, तो अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। वॉयलेंस है थोड़ा बहुत इसके अंदर, जैसे इंसानों को काटा जा रहा है, वो एलियन खा रहे हैं बहुत भयंकर तरीके से, कह रहे हैं थोड़ा बहुत क्या, बहुत भयंकर तरीके से काट रहे हैं। और जिन्होंने नहीं देखी है तो आप लोगों को एक साइंस फिक्शनल जिसमें इमोशनल है, VFX बढ़िया है, कहानी भी अच्छी है, एंडिंग भी अच्छी है, तो ये आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, तो जाकर इस मूवी को देख लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।